प्रश्न ए हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों को पहचाने व्याख्या करना एक ए हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है का पतन कई कारकों के संयोजन के कारण हुआ माना जाता है। एक तारांकन पर्यावरणीय परिवर्तन तारांकन सिंधु नदी के मार्ग में बदलाव या जलवायु पैटर्न में बदलाव के कारण कृषि उत्पादकता में कमी आई है खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुई है और सभ्यता अस्थिर हो गई है। दो तारांकन प्राकृतिक आपदाएं तारांकन ये क्षेत्र भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त है जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है और समाज की उबरने की क्षमता बाधित हो सकती है। तीन तारांकन व्यापार में गिरावट तारांकन व्यापार मार्गों में बदलाव या अन्य सभ्यताओं से प्रतिस्पर्धा के कारण हड़प्पा शहरों में संसाधनों और धन का प्रवाह कम हो गया है जिससे उनकी आर्थिक नींव कमजोर हो गई है। चार तारांकन सामाजिक और राजनीतिक कारक तारांकन आंतरिक संघर्ष सामाजिक अशांति या केंद्रीकृत प्राधिकरण का टूटना अस्थिरता और अंततः शहरी केंद्रों के पतन में योगदान दे सकता है। पाँच तारांकन आर्य प्रवासन तारांकन कुछ विद्वानों का सुझाव है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया से इंडो आर्यों के प्रवास और आक्रमण ने प्रत्यक्ष संघर्ष या सांस्कृतिक आत्मसात के माध्यम से गिरावट में भूमिका निभाए। इन कारकों ने संभवतः जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया की जिससे धीरे धीरे गिरावट आए और अंततः 1900-1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा शहरी केंद्रों को छोड़ दिया गया। प्रश्न बी धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में मध्यकालीन काल में एक महान संश्लेषण देखा गया परंपराओं कथन का विश्लेषण करें। ए बी कथन से पता चलता है कि मध्ययुगीन काल के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण मिश्रण या संश्लेषण हुआ था। इस अवधि में विभिन्न सभ्यताओं के बीच परस्पर क्रियाएं देखी गईं, जिसके परिणामस्वरूप विचारों विश्वासों और प्रथाओं का आदान प्रदान और एकीकरण हुआ। उदाहरणों में यूरोप में ईसाई और बुद्धपरस्त परंपराओं का मिश्रण इबेरियन प्रायद्वीप पर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव और बगदाद और कॉर्डोबा जैसे केंद्रों में छात्रवृत्ति और शिक्षा का उत्कर्ष शामिल हैं। कुल मिलाकर मध्यकालीन काल की विशेषता धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री थी जो एक साथ आकर नई परंपराएं बनाते थे। दो निम्नलिखित किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40-60 शब्दों में दें। प्रश्न ए अपने क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के लिए कोई दो उपाय सुझाएं दो। ए मेरे क्षेत्र में आवास बहाली को बढ़ावा देना और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता के संरक्षण के दो प्रभावी तरीके हैं। प्राकृतिक आवासों को बहाल करने से देशी प्रजातियों को संरक्षित करने में मदद मिलती है जबकि संरक्षित क्षेत्र वन्य जीवों को मानव हस्तक्षेप के बिना पनपने के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं जो जैव विविधता के समग्र संरक्षण में योगदान करते हैं। दो निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40-60 शब्दों में दें। प्रश्न बी किशोरों को एक विशिष्ट जनसंख्या समूह के रूप में माना जाना चाहिए। कथन को उचित ठहराएं। दो ए बी कथन किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों पर जोर देता है जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किशोरों को महत्वपूर्ण शारीरिक भावनात्मक और संज्ञानात्मक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है जिसके लिए स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा और सामाजिक समर्थन के लिए अनुरूप दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उन्हें एक विशिष्ट जनसंख्या समूह के रूप में मान्यता देने से मानसिक स्वास्थ्य यौन स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों के समाधान के लिए लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित होता है जिससे उनके समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा मिलता है। तीन निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40-60 शब्दों में दें।
प्रश्न ए, भारत के संविधान के मूल्यों और मूक विशेषताओं की व्याख्या करें। तीन ए, भारत का संविधान लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मौलिक मूल्यों का प्रतीक है। इसकी मुख्य विशेषताओं में शासन के लिए एक व्यापक ढांचा, शक्तियों का पृथक्करण, मजबूत केंद्र के साथ संघीय संरचना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत और जांच और संतुलन सुनिश्चित करने वाली एक स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल है। ये तत्व सामूहिक रूप से भारत के लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण समाज को कायम रखते हैं। का उत्तर लगभग 40-60 शब्दों में दें। क्यों एक, भारत के संविधान के मूल्यों और मूक विशेषताओं की व्याख्या करें। तीन एक, भारत का संविधान लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मौलिक मूल्यों का प्रतीक है। इसकी मुख्य विशेषताओं में शासन के लिए एक व्यापक ढांचा, शक्तियों का पृथक्करण, मजबूत केंद्र के साथ संघीय संरचना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत और एक स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल है जो चेक और संतुलन सुनिश्चित करते हैं। ये तत्व सामूहिक रूप से भारत के लोकतांत्रिक और विविध समाज को कायम रखते हैं। क्यों भी पर्यावरण ये गिरावट का मुकाबला करने के लिए सतत विकास कैसे एक उपकरण हो सकता है। व्याख्या तीन एक, सतत विकास में भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना शामिल है। पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक विचारों को एकीकृत करके सतत विकास का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करना है। इस दृष्टिकोण में संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, अपशिष्ट में कमी और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण जैसी प्रथाएं शामिल हैं, जिससे पर्यावरण की गिरावट को कम किया जा सके और दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके। लगभग 100-150 शब्दों में दें। प्रश्न ए, भूगोल किसी भी समाज के जीवन और इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षण करना। चार ए, भूगोल उस पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है जिस पर समाज विकसित होता है, उनकी जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और बातचीत को प्रभावित करता है। नदियाँ, पहाड़ और जलवायु जैसी भौतिक विशेषताएं निपटान पैटर्न, व्यापार मार्गों और कृषि प्रथाओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ तटों पर विकसित हुई, जबकि पहाड़ी क्षेत्र अक्सर अलगाव और अद्वितीय सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त तटीय स्थान समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा सीमाएं और संसाधन जैसे भू राजनीतिक कारक इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देते हुए संघर्ष या गठबंधन का कारण बन सकते हैं। संक्षेप में, भूगोल एक मूक वास्तुकार के रूप में कार्य करता है जो अपनी भौतिक और स्थानिक विशेषताओं के माध्यम से समाजों की नियति को आकार देता है। चार प्रश्न बी, अपने पड़ोसी क्षेत्रों में किसानों के सामने आने वाली किन्हीं चार चुनौतियों की पहचान करें। सुझाव देना, किसानों की स्थिति में सुधार के लिए इन चुनौतियों में से प्रत्येक के लिए एक समाधान। पड़ोसी कृषि क्षेत्रों में किसानों को आमतौर पर अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न के कारण फसल की विफलता, आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश के लिए ऋण तक सीमित पहुंच, सिंचाई के बुनियादी ढांचे की कमी और बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तारांकन मौसम पर निर्भरता, तारांकन अनियमित मौसम पैटर्न के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु लचीली फसलों और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करें। दो तारांकन क्रेडिट तक सीमित पहुंच, तारांकन किसानों की जरूरतों के अनुरूप माइक्रो फाइनेंस पहल स्थापित करें, उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और उपकरण खरीदने के लिए किफायती ऋण प्रदान करें। तीन तारांकन सिंचाई अवसंरचना, तारांकन लगातार जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई या वर्षा जल संचयन जैसी सिंचाई प्रणालियों में निवेश करें। चार तारांकन बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव,
तारांकन सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को सक्षम करने, उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और मूल्य में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए किसान सहकारी समितियों या बाजार नेटवर्क की स्थापना करें। 5. निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100-150 शब्दों में दें। प्र ए त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की भूमिका और जिम्मेदारियों का परीक्षण करें। 5. ए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। त्रिस्तरीय प्रणाली गांव, मध्यवर्ती ब्लॉक या तालुका और जिला स्तर पर इसकी जिम्मेदारियां बहुआयामी हैं। सबसे पहले यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करके सहभागी शासन की सुविधा प्रदान करता है। दूसरे, ये बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करता है। तीसरा, ये सरकार के उच्च स्तर और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करके आवश्यक सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त ये स्थानीय विकास परियोजनाओं को शुरू और कार्यान्वित करके सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन स्थानीय सशक्तिकरण के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा देता है। 5. प्र बी एक मजबूत राष्ट्र की स्थापना के लिए धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की आवश्यकता का विश्लेषण करें। 5. ए बी एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सभी नागरिकों के साथ उनकी धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना समान व्यवहार सुनिश्चित करते हैं। धर्म को राज्य से अलग करके धर्मनिरपेक्षता सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है और समावेशिता को बढ़ावा देती है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है, इस प्रकार संघर्षों को कम करता है और विविध समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त धर्मनिरपेक्षता तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक प्रगति को प्रोत्साहित करती है, जो राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। मजबूत धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों वाले देशों में अधिक स्थिर सरकारें और समाज होते हैं, क्योंकि वे धार्मिक विचारधाराओं पर आम भलाई को प्राथमिकता देते हैं। संक्षेप में, धर्मनिरपेक्षता एक निष्पक्ष और निष्पक्ष समाज के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, जहां हर कोई शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकता है और देश की प्रगति में योगदान दे सकता है। ए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के लगभग 10 घरों का सर्वेक्षण करें और पता लगाने का प्रयास करें। 3 व्यापक आयु समूहों में आयु संरचना सर्वेक्षण में आयोजित किया जा सकता है निम्नलिखित प्रारूप तालिका प्र सम नहीं व्यापक आयु समूह आयु पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या कुल का प्रतिशत पुरुषों महिलाओं 1-4-2-1-5-5-9-3-6-0 जोड़ तालिका में उत्पन्न जानकारी के आधार पर पुरुष और का निर्भरता अनुपात ज्ञात कीजिए। महिला समूह उच्च या निम्न निर्भरता अनुपात का जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवारों का परिवार के सदस्यों से चर्चा के आधार पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें। 6. तारांकन परियोजना आयु संरचना और निर्भरता अनुपात विश्लेषण तारांकन परिचय तारांकन इस परियोजना का उद्देश्य परिवारों के बीच आयु संरचना और निर्भरता अनुपात को समझने के लिए स्थानीय समुदाय के भीतर एक सर्वेक्षण करना है। सर्वेक्षण व्यक्तियों को 3 व्यापक आयु समूहों में वर्गीकृत करने और परिवारों के भीतर जीवन स्तर पर निर्भरता अनुपात के निहितार्थ का विश्लेषण करने पर केंद्रित होगा। तारांकन कार्यप्रणाली तारांकन 1 तारांकन सर्वेक्षण डिजाइन तारांकन
क्षेत्र के लगभग 10 घरों से डेटा एकत्र करने के लिए एक संरचित सर्वेक्षण प्रारूप का उपयोग किया जाएगा। 2. तारांकन डेटा संग्रह। तारांकन प्रत्येक घर के सदस्यों का साक्षात्कार करके प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों और महिलाओं की संख्या दर्ज करके डेटा एकत्र किया जाएगा। 3. तारांकन डेटा विश्लेषण। तारांकन एकत्रित डेटा को एक तालिका प्रारूप में व्यवस्थित किया जाएगा, जो विभिन्न आयु समूहों और लिंगों में व्यक्तियों का वितरण दिखाएगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्भरता अनुपात की गणना अलग अलग की जाएगी। 4. तारांकन रिपोर्ट तैयार करना। तारांकन परिवार के सदस्यों के साथ उनके जीवन स्तर पर निर्भरता अनुपात के प्रभाव के बारे में चर्चा के आधार पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तारांकन सर्वेक्षण प्रारूप। तारांकन तारांकन क्र सम नहीं विस्तृत आयु समूह आयु पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या कुल पुरुषों का प्रतिशत कुल महिलाओं का प्रतिशत 1, 0, 14, 2, 15, 59, 3, 60 जोड़। तारांकन डेटा विश्लेषण। तारांकन तारांकन डेटा एकत्र करने के बाद प्रत्येक आयु वर्ग और लिंग में व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना की जाएगी। प्रत्येक आयु वर्ग में कुल पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्भरता अनुपात की गणना सूत्र का उपयोग करके की जाएगी। निर्भरता अनुपात इक्वल्स 0-14 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या जोड़ 60 जोड़ आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या 15-59 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा के आधार पर जीवन स्तर पर उच्च या निम्न निर्भरता अनुपात के प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा। तारांकन प्रतिवेदन। तारांकन तारांकन रिपोर्ट में उनके जीवन स्तर पर निर्भरता अनुपात के प्रभाव के संबंध में परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा से एकत्रित अंतर्दृष्टि शामिल होगी। सामुदायिक सहायता प्रणालियों और आर्थिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च निर्भरता अनुपात से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए सिफारिशें प्रदान की जाएंगी। तारांकन निष्कर्ष। तारांकन इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदाय के भीतर आयु संरचना और निर्भरता अनुपात में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना, पारिवारिक कल्याण के निहितार्थ पर प्रकाश डालना और सुधार के संभावित रास्ते सुझाना है।